नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को जय भवानी, जय शिवराय, जय जिजाऊ। आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है। हर रोज लोग लाइव आते हैं। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी महापुरुष को टारगेट किया जा रहा है, और जो अभी टारगेट किए गए हैं वो बड़े ही महान योद्धा हुए हैं, जिनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। उनके नाम से बीड़ी का कारखाना चलाया जा रहा है, तो ये काफ़ी समय से चालू है। और अभी कुछ लोगों ने इसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से एक अनशन रखा गया। उस अनशन में हुआ क्या, दो तीन दिन से लगातार, पाँच छः दिन से वो काम चालू है। अनशन पे कुछ लोग बैठे धरने के ऊपर, बिल्कुल शांत तरीके से, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। बारिश आई, कल परसों बारिश आई, तेज बारिश में भी वो वहीं पे भूखे प्यासे पड़े रहे। एक लड़का उनमें से इतना अनशन पे बैठने की वजह से पानी खाना सब उसने बंद कर दिया, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। और कई अपने जो भाई हैं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ चुका है। और आज क्या हुआ, आज पुलिस प्रशासन आया और उसने सभी लड़कों को उठा लिया वहाँ से। और ये बात है महाराष्ट्र के पुरंदर की। पुरंदर किले के नीचे वो लड़के बैठे हुए थे। भाई क्यों, इनकी गलती क्या है, इनकी गलती क्या है, ये अपने अधिकार को मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं। इनका कहना क्या था, इनका कहना एक ही था कि केवल संभाजी महाराज को इस नाम को बिल्कुल आप हटा दें बीड़ी से। बीड़ी के ऊपर अगर किसी बंडल के ऊपर महाराज का नाम लिखा है तो वो न कि किसी मराठा का, वो पूरे हिंदू धर्म का, पूरे भारतवर्ष का अपमान है। अरे भाइयों, अगर आपने बीड़ी का मंडल का नाम रखना है तो बहुत कुछ रख सकते हैं आप, जैसे टार्जन है, बिजली बीड़ी है, बादल रख लीजिए आप, मस्त रख लीजिए, मस्त बंडल रख लीजिए आप, कुछ भी रख सकते हैं, चस्का बीड़ी रख सकते हैं आप, अपने लड़के के नाम पे रख सकते हैं, अपने बाप के नाम पे रख सकते हैं, अपने मित्र के नाम पे रख सकते हैं, आप किसी शहर के नाम पे रख सकते हैं, संभाजी महाराज के नाम पर ही क्यों। छत्रपति संभाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम पर ही क्यों, ये मुद्दा है। अरे कोई मोहम्मद के नाम से कोई बीड़ी रख के दिखाए, कोई वाहेगुरु के नाम से बीड़ी रख के दिखाए, लेकिन ये टारगेट हमारे योद्धा क्यों हो रहे हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा की। 40 दिन तक उन्होंने अपने शरीर का एक एक अंग कटने पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, स्वराज्य की इच्छा नहीं छोड़ी। ऐसे महापुरुष के ऊपर बीड़ी का मंडल चलाया जाए, बीड़ी के नाम पर महाराज का नाम लिखा जाए, ये बहुत गलत है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो इस बीड़ी के कारखाने के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो बीड़ी का कारखाना है उसे उन्होंने अपने लड़के के नाम पे रखा। ठीक है, अपने लड़के के नाम पे रख दिया, लेकिन वो नाम तो महाराज का है ना भाई। तो जरा आज के इस गंभीर मुद्दे पर सभी युवा साथियों को, सभी देशवासियों को, सभी हिंदुस्तानियों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि संभाजी महाराज क्या थे और उनके नाम से बीड़ी चलाई जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है, ये हमारे धर्म का उल्लंघन है, ये हमारे आस्थाओं को चोट है, और ये मुद्दा बहुत गर्माने वाला है, मैं कह देता हूँ अभी। क्योंकि जो धर्मनिष्ठ हैं, जो स्वराज्य प्रेमी हैं, जो शिव प्रेमी हैं, जो महाराज को दैवत मानते हैं, उन लोगों के हृदय के साथ ये छेड़छाड़ है, उनकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है, ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जो ये हुआ है ना, बड़ा ही गलत हुआ है, और ये निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि जिसका कोई रखवाला नहीं होता ना, जिस खेत की बाड़ नहीं होती, उसको कोई भी आवारा पशु खा जाता है। आप अपने धर्म से
आप अपनी मर्यादा से, आप अपने देश से, आप अपने राष्ट्र से और आप अपने महापुरुषों के साथ बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे, जब तक आप सचेत अवस्था में नहीं आएंगे, अचेत पड़े रहेंगे, तब तक ऐसा ऐसा होता रहेगा। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। अरे संविधान ने हमें राइट तो दिया भाई, किसी चीज का विरोध करना, शांतिपूर्ण तरीके से करना, तो ये हमारा विरोध ही तो है। ये जो वो लड़के कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? वो राष्ट्र प्रेमी है, शिव प्रेमी है, वो अपने धर्म के प्रति सचेत है, वो कह रहे हैं कि हमारे भावनाओं को आहत ना किया जाए, लेकिन इस प्रजातंत्र देश में जो हो रहा है तो ये बिल्कुल ही गलत, अन्यायपूर्ण हो रहा है। ये मल्लेच्छों का काम है, आदमियों का काम नहीं। जिन मल्लेच्छों ने ये नाम रखा वो बिल्कुल गलत लोग हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मराठा उत्थान समिति पानीपत और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ मेरी शाखाएं हैं इसका पूरा विरोध करेंगी। मराठा उत्थान समिति पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर भी शाखाएं हैं इसका संभाजी बीड़ी, जो संभाजी नाम लिया गया है, इसका पूरा विरोध करेंगी। ये नाम हटना चाहिए। वो यहाँ पे मसाला बीड़ी रख सकते हैं, वो तेज बीड़ी रख सकते हैं, वो मस्त बीड़ी रख सकते हैं, वो हिंदुस्तानी बीड़ी रख सकते हैं, वो पुणे बीड़ी रख सकते हैं, लेकिन संभाजी बीड़ी रखना हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, हमारी भावनाओं को आहत करना है और इस देश के महापुरुषों का भारी पुरजोर विरोध ही नहीं, उनके साथ ही बहुत अन्याय हो रहा है और ये अन्याय बंद होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था जो ये हुआ है। पहले मैंने सुना कि इन्होंने पहले शिवाजी महाराज के नाम से, छत्रपति शिवाजी बीड़ी के नाम से इन्होंने चलाई थी। अरे भाई तुम महाराज के पीछे क्यों पड़े हो? पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, अब संभाजी बीड़ी, ये है क्या? आखिर हो क्या रहा है? और दूसरे जो लोग आज सोए हुए हैं, अनेकों पार्टियों में घूम रहे हैं, अनेकों दल बनाए घूम रहे हैं, उनका क्या लाभ होगा? वो झंडा लेके चिल्लाते हैं, हर शिव जयंती पे बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आज सही समय है जब आपके महाराज का अपमान हो रहा है, आप सो रहे हो क्या? आप जागिए, लीगल तरीके से इसका विरोध कीजिए और विरोध पुरजोर कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से। तो ऐसा ही होगा आंदोलन, कोई कुछ आंदोलन गांधी जी ने बहुत किए थे ना उस टाइम में, गांधी ने, महात्मा गांधी नाम का जो एक बहुत बड़ा शख्स हुआ है, बहुत उनके फॉलोवर हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी तो किए थे। अंग्रेजों ने क्या उनको आज़ादी दे दी थी? जब तक हम कड़े कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का पूरा विरोध भी होना चाहिए और उनका घेराव करना चाहिए, उनके घर दफ्तर सबको घेराव करना चाहिए। और उनके कानों में अभी तक मुझे लगता जो तक नहीं रेंग रही, जो उन बैठे हुए लड़कों को अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने पैसे के बलबूते पर, जो पुलिस के हाथों उनको उठवा सकते हैं, वो बहुत कोशिश करेंगे कि ये नाम ऐसा ही रहे। क्या अपमान करने के लिए मुंह में बीड़ी पिएगा वो और नीचे फेंक देगा वो बीड़ी, आधा बीड़ी लोगों के पैरों के नीचे आएगी, संभाजी बीड़ी के ऊपर पैर रख के जाएगा? वो बीड़ी का अपमान नहीं, वो संभाजी नाम का अपमान है और नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो अकल करनी थी जिनने उन्हें ये बीड़ी का कारखाना बनाया है। भाई महापुरुषों के लिए ही ऐसा क्यों? आप किसी और नाम से ये बीड़ी रख सकते थे, स्वादिष्ट बीड़ी रखो, कुछ भी नाम रखो ना आप, लेकिन संभाजी ही क्यों? हमारा विरोध ये है कि संभाजी ही क्यों? तो जिस भाई को अगर ये बात अच्छी लगती तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सोए हुए भारतीयों का, सोए हुए हिंदुस्तानियों का, सोए हुए मराठों का एक बार उनको पता लगे, उनको एहसास हो, उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि आपके महाराज के साथ, इस धर्मवीर संभाजी महाराज के साथ, इस नाम के साथ आखिर हो क्या रहा है। अचेत अवस्था से जागिए और चेतना में आ जाइए। जब तक आप जागृत अवस्था में नहीं होंगे ना, तो सोए हुए का शिकार करना बड़ा ही आसान है, बहुत ईजी है। अब ये सोने का समय छोड़ के आप जागृति की तरफ आइए और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कीजिए। और मैं मराठा उत्थान समिति की तरफ से पूरा सहयोग करूँगा, जहाँ जहाँ मेरी शाखाएं हैं वहाँ वहाँ हम इसका पूरा विरोध करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में।
जो हमारे साथ खड़ा होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी हम इन लड़कों के साथ हैं, इनका साथ देंगे, इनकी सपोर्ट करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा उतनी हम इनकी हेल्प करेंगे। और आप जो जो अभी सोए हुए अवस्था में हैं, कृपया हाथ जोड़ के कहता हूँ आप जागिए, नहीं तो आपके योद्धाओं का अपमान ऐसे होते रहेगा और आपके योद्धाओं को आपके अपने बच्चे इग्नोर करने लगेंगे तो फिर धर्म की हानि होगी, राष्ट्र की हानि होगी और स्वराज्य का अंत हो जाएगा। स्वराज्य का अंत नहीं होने देना, जब तक स्वराज्य जिंदा है तब तक आप जिंदा हो, जब तक मनुष्य की चेतना जिंदा है तब तक वो मनुष्य है, जब उसकी अंतरात्मा मर जाती है तो वो मृत के समान हो जाता है। आपकी इच्छा शक्ति मरनी नहीं चाहिए, आपका स्वाभिमान, आपका स्वराज्य जिंदा रहना चाहिए, तभी आप जिंदा हो। तो दोस्तों मेरा सबसे निवेदन है, मराठा उत्थान समिति पुरजोर इसका विरोध करती है और जो बीड़ी कारखाना हम उसका पूरा विरोध करेंगे आने वाले समय में भी, और आप पूरे भारतवासी इसके साथ खड़े हों। ये हमारा अकेले का विषय नहीं है, छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर संभाजी महाराज थे धर्म की रक्षा के लिए। और तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय भवानी, जय जिजाऊ, जय शिवराय, सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को नमस्कार।